ये चार देवता एक रतन पांच लिए सगन में पांचों का रंग रूप एक सा नलकुण सा सैन में मनुष्य न्यारे सुन करू थी फिर भी नलको जान सकी ना अंधेरा दिन में मनुष्य न्यारे देवताओं में होते नंबरदार साहब हजारों रुपए पहले 500 रुपये और इनाम के देते हैं। श्रीमान जीओं का बड़ा बड़ा धन्यवाद। सोच की इन देवताओं की माया है। ओम जांगड़ा साहब, ओम वीर जांगड़ा जी कृष्ण दलेल के ऊपर हो भाई साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद। जीता नंबरदार जी का बड़ा धन्यवाद। विनती करती है कि महाराज मैं वरूंगी राजा नल कोई और क्या कहती है। ओए डरती डरती विनती करती बोली संकल्प नल की सुनके नल का विश्वे बीस राजा नल ना मरू किसे तुम्हें नवासी ओए दमयंती पे दया करो तुम हे ईसो के ईसी जानन ने जान सकूं मने जो ऐसा वरता गुलिया पहलवान जी 100 रुपये इनाम के देते हैं। पहलवान जीओं का बड़ा बड़ा धन्यवाद। कीत बात कहेगी बात दमयंती दादा ने की ताकड़ा बढ़ा न्यू बोली एक पाप और लाग जाएगा। कौन सा? जो उस ऋषि का लाग गया था थारा भी लगेगा, नहीं तो अपना असली रूप दिखा दो क्योंकि मैं आड़े थारे सामी प्राण त्यागूंगी और क्या कहा दादा ने। विकी प्रधान जी 500 रुपये इनाम के देते हैं। प्रधान जीओं का बड़ा धन्यवाद। सत्संकल्प धर्म व्रत सब नर के लिए करे, सब कर्तव्य निष्फल हो जाते नरपति नहीं बने। मन का भाव प्रेम से समझो देवता लोग हरे, अपना रूप बना लो वैसा जैसे आप खरे। थारी शरण में नल के रंग में खो दूं अपनी जान। नमस्कार करो अंतराधियो देवतान सोची भया तो उल्टी घड़ी उल्टी बात बनेगी। राजा नाल ठीक कहता के जी मेरे कोई वरेगी बात तो क्या अंतर आया जब उन्होंने अपना रूप बना लिया। वही राजा नल के जो गले में माला थी उनके फूल कुल मिलाए हुए थे और देवताओं के फूल माला के ऐसे थे जैसे डाली पे लगे हुए होते। वो धूल में भरा था, देवता के धूल का कण भी नहीं लग रहा था और वो जमीन में बैठा था और वो जमीन से सवा हाथ ऊपर स्थान था देवताओं का। क्या बताया दादा ने, हा, हा, हा। दमयंती की विनती सुनियो रे नल की साची बात, दया करी सब देवों ने वो बदल गए एक साथ। पलक जपे ना छाया बिल्कुल मट्टी लग रही नागात, लक्ष्मी चंद्र मन सोते न्यारी देवताओं की जात है। सुंदर माला जमीन से ऊंचा सवा हाथ आसमान, नमस्कार करो धराधियो मना कर देते हैं बच्चे। माँ मामा के मत गा लिए रो रो आंसू आ लिए, तेरे बिना जी लागे को ना तू चाल लतले चालिए। और रानी ने बोली महाराज तके मैं तो पतिव्रता औरत हूं, बच्चों को भेज देती हूं। वह बच्चे बच्चे भेज दिए रानी राजा के साथ। और क्या विचार हुआ, 3 दिन हो गए थे भूखे प्यासिया ने, 2 तीतरो डारी ले रहे थे, उसको ऊपर धोती बगा दी राजा ने। वो धोती नो कलयुग था, वो धोती नो वो तीतर ले गए। नग्न घोड़ा रह गया, नो बोले आंख मीच ले रहे दमयंती में खतकतियो घोड़ा नंग हो गया। सारी रात छोड़ चलो हरी बलि करेंगे, कति ना डरना चाहिए। और एक साड़ी दो गात योगाड़ी इवके करना चाहिए, छोड़ चलो और बंद करे। देखिए नंगी तो वेश्या भी नहीं जा सकती हो तो रात ज्यादा न बोला भाई आगे तो आदमी आ गया तो जुलम होगा। अरे या गैल रखी तो इसका तो कोई खोट ना खोट तो मेरा सारा नाश करे और तो मेरा है इसने तो या तो क्यों भुगते क्या कहा दादा। कत्तियों घाड़ा पागल बनके नोकित जाया जागा नग्न अवस्था मानस की ढब नहीं लखाया जागा। रानी ने आनंद भोगे ना दुखड़ा ठाया जागा या गैल रही गौरव शर्मा और गगन शर्मा 200 रुपए इनाम के देते हैं दोनों बच्चों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। फिर नाम भूल गया तो बैठे कहता है वक्त की बात है। मैं कितरागनी गांव था मेरी गैल टिगरी बॉर्डर की बात है और सत्य फरमानिया ओ कली लाग्या भरण। मैं किस आदमी हूं मैं किसी को देख के गाने वाले को के दुश्मन ने देख के भी नहीं कट्यार हूं। कली उसने यार आग्नि गाई कह दिए चमन तली लो जीवंती मरगी एक लाइन कही अटके फेर नहीं चढ़नी जो चढ़ के उतरगी। मैं भाई सत्या लाइन एक बार फेर कहिए न बोला अटके फेर नहीं चढ़नी जो चढ़ के उतरगी। मगर दूसरे की कविता ही मेरे दादा की कविता में यो अंतर है। मन को पौवे के पीछे देनिया नहीं था कई करोड़ की तो कोठी में रहूं अटके क्यों ना चढ़े बोले। और दादा ने क्या कही दादा ने मगा नो कोई भाई मिलती बात रोज हो से कदे बे मिलती भी हो जाया करे है इंसान खता का पुतला गलती भी हो जाया करे जैसे बिगड़ी हुई मशीन समझ के चलती भी हो जाया करे। तो इसलिए उसकी बातों में इतना तंत्र है कि एक देश का राजा ने बोला राजताली पसगर के हाथ में होगी छाती फूक दी। 16 साल तक माँ बाप अपनी लड़की की कितनी रुखाड़ कर है कदे धर्मनिष्ठ नहीं हो जा और आज यह बेचारी जंगल में अपने धर्म की आप रखवाली करेगी क्या कह दादा ने। एरा फूक देई भूख देई कलयुग ने छाती आत्मा काली होगी। राज करूं था आज पुष्कर के आत्म ताली होगी। 16 साल तक मात पिता ने खूब संभाली होगी पर आज पति पर अपने धर्म की सुरेंद्र शर्मा जी 100 रुपये और राम रतन मलिक साहब 100 रुपये और। श्रीमान जीओं का बड़ा धन्यवाद। यहां आती हवा बटुए वाली बात, एक तैसा जी कर दोनों साड़ी पे काट ले और एक मन नाटे न्यू पोजीशन होगी दादा की। क्या कहा फिर एक मन कहे दे छोड़ बहू एक साड़ी काटन खातिर। कलयुग बेरी जोर जमारा न्यारे पाटन खातिर। राजा नल ने जान पटिया नो जल डाटन खातिर। एक पन्ना रात बितरी है साड़ी खाटन खातिर। फिर कलयुग नू सदा फिर कलयुग नू सची एक का धरना सही है। आधी रात होगी। राजेंद्र प्रधान जी कई 1000 रुपये पहले 1000 रुपये और। प्रधान जीओं का बड़ा बड़ा धन्यवाद। आधी रात ताई चक्कर काटेगा के करूं। और एक बात और सुनिए, आदमी आत्महत्या करने जा रहा हो, रेल तलक कटता हो, रास्ते में बीड़ी पी ले या कोई आदमी उस तक बात कर ले, वो आदमी फिर मरे नहीं गा। दादा ने कहा कि वो घड़ी टल जाएगी। भाई या खाली कह रहे फिर बताऊंगा। कलयुग ने सोची या घड़ी टल गई तो कुछ नहीं है, इसने हथियार चाहिए साड़ी काटन खातिर। और हथियार यहाँ है नहीं, खुद तलवार का टूक बनके तेगा बनके कोण में खड़ा हो गया। और क्या हुआ वहां ये विकास जी 1100 रुपये पहले 500 रुपये और। श्रीमान जीओं का बड़ा धन्यवाद। कुछ भी ना आया सुधी में बहुत देर तक जाग्या। फिर कुटी में इधर उधर ने टहल के देखने लाग्या। भूल करी थी राजा नल ने भूल में धोखा खा गया। फिर कलयुग बेरी खबर स्यानती गोट जले अरे राजा हो कह रही सन रहा इश्क से मटूट जले विनय शर्मा और गौरव शर्मा छोटे बच्चे काफ़ी पैसे पहले 100 रुपये और श्रीमान जियों का बड़ा धन्यवाद। अब्दुल्ला भाई साहब 200 रुपये इनाम के देते हैं, भाई जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। पहला उदाहरण दिया शकुंतला और दुष्यंत का। राजा दुष्यंत ने शिकार खेलते हुए शकुंतला मिली थी, गंधर्व विवाह शादी करी और अंगूठी दे गया अपने फेरा पे। अब मेरी याद आओ वहां चली जाइए नहीं तो तुम्हें गाजे बाजे के साथ ले जाऊंगा। अरबा उसके पास गई तो पहचान तो नाट गया, इसी हमारा क्या कहा। नार शकुंतला रे हाथ करे थी कण्व ऋषि के डेरे पे। राजा दुष्यंत आशिक हो गया चंद्रमा से तेरे पे। साथी कर दी प्रेम नसनी गुठी अपने फेरे पे। नो बल्ला जब याद सतावे आइए महल तू मेरे पे। तू बना जब याद सतावे आइए महल तेरे पे। वापस गई जब पास गई जब नहीं पिछानी रोई शरण गुट चले। छोटा भाई कीड़ा पहलवान हजारों रुपए पहले 500 रुपए और इनाम के देते हैं। दूसरा उदाहरण दिया कृष्ण जी का। निवोली गोपनिया के साथ उम्र बिता दी और वक्त आज जब छोड़ के भाज गया, वह बेचारी रोनती रहेगी। दया नहीं आई के इतने दिन तू इनके गेल रहा है, ना तो 5-4 साल तक कुत्ता पाल ले, कुत्ते में भी मोह हो जागरे और उसने तो भगवान कहते हैं। क्या कहा, क्या उदाहरण दिया वाला। ओ एक कृष्ण जी ने गोपनिया के अपने ना का बहम करा। साथ रहा दिन रात प्रेम से संग रहन का नेम करा। छोड़ चलिया वह रही रोमती न पाथर दिल न रहम और तीसरा उदाहरण दिया अरब देश का। वहां एक लड़की थी चंद्रिका और एक लड़का बाथम, उससे शादी करना चाहता था लेकिन चंद्रिका ने मना कर दिया, उम्र बीत जाती है, 60 साल का हो जाता है लेकिन उसने शादी की हाँ नहीं भरी। एक दिन चंद्रिका ने कहा कि मैं तेरे साथ शादी कर लूंगी इस बुढ़ापे में भी, तू मेरे लिए गुलाब का लाल फूल लिया। उस जगह पे लाल गुलाब का लाना ऐसा था कि ना तो नौमन तेल हो ना राधा नाचे, घास का तिनका नहीं, लाखों किलोमीटर तक रेत ही रेत, पर फिर भी आस लगा के वो सारी उम्र घूमता रहा। 100 साल का हो गया, गुलाब का फूल नहीं मिला। एक आदमी ने कहा कि भाई फलाना बगीचे में चला जा, वहां तेरे को मिल जाएगा। इतनी लंबी लंबी दाढ़ी होगी, बूढ़ा हो गया, सारी उम्र गई। उस बागीचे में गुलाब का फूल तो मिल गया लेकिन सफेद, और उसने मंगाया था लाल। वो आखिरी इच्छा पूरी होती दिखाई नहीं दी, बेहोश होके गिर जाता है। और इस सीन को एक बेचारी बुलबुल देख रही थी। बुलबुल ने गुलाब की बेल से कहा कि बहन, यो बेचारा मरेगा, इसने 100 साल हो लिए, ऐसा कर तू लाल फूल बना दे। बोली नीचे हजारों फुट तक पानी का टोपा नहीं, मैं लाल फूल कैसे बनाऊं। उस बुलबुल ने कहा कि मैं अपना खून दूंगी। गुलाब के फूल पे कांटे होते हैं, उन कांटों पर बुलबुल बैठ गई और उस गुलाब की लता ने, उस बेल ने सुबह तक उस फूल को लाल बना दिया। सुबह जब उसको होश आया, आंख खुली, उसने लाल गुलाब का फूल देखा, वह मरी हुई बुलबुल दिखाई नहीं दी। उस बुलबुल को भगा के और फूल तोड़ के उठ भाज लिया। क्या कहा, कैसे होते हैं। भाई गुलिया पहलवान, इनकी फरमाइश थी 100 रुपये और इनाम के देते हैं भाई जी का, बड़ा धन्यवाद। क्या कहा, चंद्रिका ने बाथम में तोरे लाल गुलाब मंगाया, बाथम फिर लिया, सारे के पर लाल रंग ना पाया, बेहोश हो के गिरा बाग में, रहम बुलबुल न आया, बुलबुल ने दिया खून, लता ने लाल ही पुष्प बनाया, बुलबुल ने दिया खून, लता ने लाल ही पुष्प बनाया। वाह मरी हुई बुलबुल, मरी हुई बुलबुल, दूर बना लिया फूल तोड़, सुबह उठ चले पहलवान जी और गुलिया पहलवान जी, काफी पैसे पहले 100 रुपये और अब्दुल पहलवान जी के छोटे भाई, हमारे भाई कीड़ा पहलवान जी 500 रुपये और इनाम के देते हैं भाई जी का, बड़ा धन्यवाद। प्रिंस पी के श्रीमान जी 500 रुपये और इनाम के देते हैं भाई जी का, बड़ा बड़ा धन्यवाद। बोली आप मैंने घोड़े पे बैठा के ले जाओगे, प्रजा क्या कहेगी, किसने पकड़ लिया, कोई जवाब नहीं होगा जब सारी दुनिया फंस के खड़ी हो जाएगी। और राज का ऊपर बड़ा झगड़ा हो। जय मेरी कूक से जो बच्चा लड़का जन्म लेगा उसको राज तिलक नहीं होया तो मन जो चंदा गए आगरे नू गए जाएंगी। और राजा का कई कई रानी हो दूसरी तरह रानी और मेरे ताई तू दे दे दुहाग फिर क्या होगा। और मैं साची बता दूंगी जब मैंने एक आदमी फेंट गया तो मेरे तो झूठ नहीं बोली जाएगी, जब उसने पूछ ली थे मैं साची बता दूंगी। उठे तो पकड़ के ले आ रहा है क्या कहा। अरे शोक दूसरी के कहने ते अलग मेरे तरह लगे। राज तिलक ना हो मेरे पुत कहे ते मेरा चांद सा कहर लगे। राजा गैर स्त्री लाया जैत्री प्रजा कहर लगे। किसने समझावेगा जब सारी दुनिया फैल लगे। किस किसने समझावेगा सारी दुनिया फैल लगे। रमेश कुमार बुदन लगा तना बोली जागी झूठ सरे सेठ ताराचंद का लड़का चंद्रगुप्त रूई का जहाज भरने के लिए शंगलदीप जंजीरे में जाता है। उनकी भाभियों ने लाल और जूड़ा मंगवाया था। जो उस समय लाल और जूड़ा मोल नहीं मिला करता, बनिया लोग शादी में दिया करते। मोल कोई खरीद लेता तो उसको कसौन मान्या करते और जो शादी में दिया करते उसको शुभ मान्या करते। उसने तो वो सौदा नहीं मिले था और एक बनिया ने छोरा दूसरा दिखा रखा था। और ब्याह थे धर्ममाल राजा की लड़की धर्ममाल की को। अब भाई आप पोल खोलेगी उनको वो चंद्रगुप्त टकरा जाता है। न बोला भाई बनिया का छोरा का हाँ जी। बोला भाई मारे दो काम करा दे बेटा बार और ठेर फेरे। बोला जी जो छना पे चीज मिलेगी लाल और जूड़ा नु बोला वो नहीं इतना और वो तेरा धन दे देंगे बेटा। उड़े के कोई गीत गाउन वाली बान बैठाउन वाली तो थी नहीं बनिया। बूढ़ा बनिया खड़ा हो गया और उसने सजाउन लग गए। उसको बंदड़ा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और बनिया क्या क्या बताता है क्या क्या पर आ जो जिस्त्रियाँ लोहे का गज दिया करते पहले हाथ में। क्या कहता है सेठ जी क्या बताया दादा ने। माता ने ये रागनी बनाई उस समय तो लेकी क्या पोशाक थी। ये पतलून सतलून तहिमता लिए 50 साल थे पहले अब्दुल्ला के पैरा करता कैसे भला। ये मास्टर जी धनराज जी 100 रुपये इनाम देते हैं। धनराज जी का मास्टर जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। ओए ओले पामे बांध राखड़ी सोले करम नाला खुशबोई का तेल छिड़क दो कान कटी का काला हंसली परा दियो सोने की कटरूप का सारा तेरे आँखों में स्याही का डोरा मन बोले नजर फेरा के भाई थोड़ी सी सोने ये जोगेंद्र जी 1100 रुपये इनाम के देते हैं। श्रीमान जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। न्यू बोला बेटा धन बतेरे दे देंगे बस दो काम अटक रहे हैं कौन से 12 ठेर फेरे ये करा जा फिर तक तुम कितना धन ले दीजिए क्या कहा। नया दुसल्ला गल में तोड़ा लाड लडा के गेरे लोहे का गज दिया हाथ में हंस के फूल बखेरे चंद्रमा सा रूप खिला सब छट के दूरी अंधेरे ये दो काम साहब 100 रुपये इनाम के देते हैं। मलिक साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद। दादा में खासियत क्या थी, जिसी बात होती ना उसाए वैसा ही वर्णन कर दिया। आड़े ते कोई जाट होए तन्यू कह रहा छोरे कसाई के बीच देख का काम करिए, कदे करे कराएगा नाश कर दे। और पानी आड़े किए कहेगा हर छोरा सियाना जर गलती करे को ने अकलमंद से उनका हौसला और बढ़ा देगा। वह लाइन ला दी दादा ने। कैसे घना अकलबंद, घना अकलबंद सियाना से बस को ना बसर कहने का, जो ओरा का भला करे ना फंदे भी फैल का। बाप रूप सत माया का को ना कला डहने का, तन मुँह बंगा नाम मिलेगा खाली नहीं रहने का। तेरा तन चाहिए ले चाहिए, तन ले चाहिए तू ठाठी बोझ भरा के। नाम के देते हैं श्रीमान जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। सारा काम पैटर्न टोलिया जब लाला जी ने बोला भाई छोरे मारा भी हो कदे मोड़ बन ज्यादा हम भी तेरे देना थे। याद तो बड़ा हो जाता है आदमी सबके माओ है। बेटा वायदा रहा छना पे जो कि में लगाओ तेरा है, पर या मजदार के बेचारे नाव डूब रही हमारी, इसने एक बार पार तरा जा। और सारी बरात चाव में भरगिर क्या कहा, लक्ष्मी चंद लक्ष्मी चंद सतगुर की सेवा तारी ठीक मना पे। हम भी क्या करे थे छोरे जब थे तेरे दिला पे, देख बराती राजी हो रे सुथरा रूप बना पे। कसम जवाले सब कुछ तेरा जो कुछ मिले छला पे, तेरा नाम बड़ी बजदारी यार तू गरज चाहिए पार तेरा के। आश्रम पे कुछ कन्याएं रहती थी जिसमें एक शकुंतला भी थी। उनका आपस में मिलन हो जाता है और गंधर्व विवाह कर लेते हैं। राजा दुष्यंत ने पूछा कि आप कौन हो, आपके माँ बाप कौन हैं? बोली जी मेरे पिताजी तो कण्व ऋषि हैं। बोला कण्व ऋषि वो तो लाखों बरस से तपस्या कर रहे, उस जन्म जति है वो बाल जति है, उसके तू कैसे हो सके? झूठ बोले है, अब तो हम एक सूत्र में बंधने वाले हैं, आप तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपने सच बताना चाहिए। और क्या कहता है वो? हेलो कनवरी सीते जन्म जती से उसके क्यों करे हुई भला तेरा साच बता दे प्यारी रे तू किसने जन्मी सुकंतला ऋषि का नाम ले लिया जो लाखों बरस से समाधि पे बैठे। उसने न्यों निबेरा के सूर्य कहाँ निकलता है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी वो भी डरते हैं उससे, ऐसे का नाम ले लिया। और क्या कहा, देते हैं एक आधा बूढ़ा बैठा हो तक 35 साल पहले एक तांगा चला करता और तांगे आला कहा करता 3 लाइन तो मेरे भी आज है और अग्नि गाता चला करता। ओ कोई जोड़ी लाट जानिया पैसा दे ली घाट जानिया बामन बानिया झाट जानिया इस तरह की भाई लाट से 100 रुपये श्रीमान जी का बड़ा धन्यवाद। दूसरी कली में क्या कहा, छाड़ी को नाथ जी गुरु जी खड़े श्री 100 रुपये अपने बच्चे को इनाम के देते हैं। महाराज जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। देखिए पंडित जी ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया। जैसे नदी और नाव का संयोग होता है ऐसे वीर मर्द का होता है, लेकिन कामदेव में ऋषि के अंदर कामदेव तो है नहीं। नदी में पानी नहीं होगा तो वह नाव चलेगी क्योंकि संतान कैसे होगी, कामदेव नहीं होगा तो। और मैं तो राजकुमारी आपको देख के आपकी मुट्ठी में मेरी जान फंसगी, नहीं तो मैं सारी बात न जानू हूँ राजा हूँ मेरी अंगूठी में देख। हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत लिखा हुआ है। मैंने सारे तीर चला लिए पर मैं फंस गया कैसे भला। बनाई जब हम जहां खड़े हैं ये जगह भी रोहतक जिले में आती है। पानछी पंडित जी अपने मामा के रहे थे, गांव सुसाना था। बोला परिचय परी ऐसे नहीं दिया जाता, परिचय देखे मैं दूं अपना, मैं कहां का हूं और कौन हूं। क्या कहा पंडित जी ने, मांगे राम बता के छिकलिया जाटी मिल गया ठिकाना, रहूं पानछी और गांव ससाना रोहतक मारा खास जला, साच बता दे प्यारी रे तू किसने जन्मी शकुंतला। उसको इतना ही ज्ञान था। तो न बोली जी और तुमने घना ज्ञान मिला, उसकी तो नहीं है तुम घना ज्ञान नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ये कहते हैं कि इस पोटली न खोलिए बेटी कदे भीड़ पड़े तो। वह पोटली खोली तो उसमें जन्म उसकी जन्म पत्री बना के कागज में लपेट के ऋषि ने रख रखी। अग भाई आगे जैसे स्याही लकड़ हरे की माँ ने उसके तबीज बांध दिया था कि आगे जागे कर दियो खुल है तो कोई पढ़ने वाला पढ़ लेगी ये किसका लड़का है कौन है। उसमें लिख रखा कि शकुंतला कैसे हुई, पूरा वर्णन। पंडित मांगेराम तो दादा के पास ये रागनी बना के ले गए थे, या कथा पुरानी नारद जी ने गाई। तो दादा ने एक बात, सिर्फ ये एक रागनी इस किस्से की बना रखी है कि शकुंतला का जन्म कैसे हुआ। एक समय में देवलोक में इंद्र महाराज से नारद जी ने बोले, महाराज वो विश्वामित्र 99 साल हो गए तपस्या करते, पलाथी मारे और तेरे नाम की पलाथी मार रहा है। क्यों? अगर इस राजगद्दी ने खोसेगा और के बोला भाई तो चाड़ा हो जाएगा। तो फिर हूरमैन का बुलाई जाती है, आकु उसकी तपस्या भंग कर दो। हूरमैन का ने कहा कि ऋषि के अंदर काम नहीं जगेगा तो मैं फेल हो जाएंगी, इसलिए कामदेव बुलवाया। और उसमें क्या लिखा पाया, क्या था? सवातासन कूद्या कैसे भला, विश्वामित्र का, विश्वामित्र का सत तोड़ने कामदेव बोलवाया। अखंड तपस्या खंडित कर दो ऐसा पाठ पढ़ाया। कामदेव ने बन में जाके काम का जाल फैलाया। अखंड तपस्या खंडित कर ऋषि आसन सहित हलाया। काम के बाण लागते काम के बाण लागते उस ऋषि की सिद्धि लला हुई। इनाम देते हैं मलिक साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद। गृहस्थी बनना चाहे था कि कोई बात नहीं, तेरे से गलत तो कार्य हो गया, लेकिन फिर माँ विष्णु महेश सब गृहस्थी थे। पर गृहस्थी तो जब होना जब वीरवानी साथ हो, वह भी वो काम करके चली गई। और क्या हुआ, ओए आँख खुली खुली नहीं देख मैंने का काम से काया हाल पड़ी। उठे आसन से बोध किया ना ऊंच नीच की ख्याल पड़ी। अखंड तपस्या खंडित होगी वक्त पर नहीं संभाल पड़ी। वो माया रूपी कन्या थी फिर ऊर मैन का चाल पड़ी। नारायण सीना बन्या गृहस्थी, नारायण सीना बन्या गृहस्थी, ऋषि की मध्यम कला हुई। सिरसा जाति से 100 रुपये मलिक साहब इनाम के देते हैं। सिरसा जाति में मलिक हैं ये, 2-4 कराऊंगे। अच्छा, इसका फर्क तो बड़ा लाग गया है। मैं बताऊं आपको, दिल्ली में एक गैंग है। वो गैंग क्या करती है, एक टूटी सी कार लेकर आगर पाछे बम फरताना बांध लें और देख लिया एकला आदमी है यूपी का हरियाणा का कहीं नंबर, उसका रगड़ मार गो बम पर टूट जाएगा, पंचर आ जाएंगे और 5-7 हज़ार रुपये ठग ले जाएंगे। वो काम मेरी गैल कर दिया, बट मेरी गैल कर दिया। मैंने उसके ऊपर मलिक लिखा देखा, मैं तू एकला पंचर है। पाछा 2 पुलिस वाले बन के आगे मगर शायद ठगी का मामला यो। मैं बोले अरे कसाई के बीज मलिक सो तुम? बोले हाँ। मना अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा, मैं भी मलिक सो भाई। तब मगा कौन से मलिक हो? सारे का मन जानू। नहीं बोले हम तो मुसलमान है भाई। नहीं थे वो मुसलमान थे। हाँ मैं भी मलिक सो, माला आइडेंटिटी कार्ड देख। पर उन्होंने पैसे नहीं लिए मेरे तो कहीं पास। फर्क तो है जी बात में। फिर उन्होंने बताई, बोले भाई साहब ऐसे ऐसे आप फंस गए, हमने मेरा नहीं था, हमारा तो पैसा है यो। तो भाईचारा बहुत बढ़िया था, पर ये वह बात नहीं रह रही। आखिरी कली में ऋषि ने बेरा पाट गया, अगवाइयो छल कर रहा। खैर किसने कराया है बेरा पाट गया? क्या नहीं ध्यान था क्यों? और तक मैं पास दिखा नहीं बस। और मैं इनका भी भागी छोटी सी कन्या रोवे। ऋषि भी उल्टी पलाथी मार गया। न बोले का दो बहन रान में करूँगा मेरे साले के। उल्टी पलाथी मार गया। नहीं तो ना तो ऋषि रहा ना गृहस्थी को सा खाना नहीं रहा था। और शकुंतला कैसे हुई क्या बताता था। गृहस्थी बनना, गृहस्थी बनना चाहे था, पर मो माया में गया चला। कन्या देखी पासरों की और कोई मानस नहीं मिला। जो त्रिया के छल से बच्चा लक्ष्मी चलो सख्स वाला। फिर तपस्या करने चला विश्वामित्र योरी उर्मेन का, विश्वामित्र योरी उर्मेन का। इनसे सुकंतला हुई शकुंतला को अंगुष्ठाना वो अंगूठी दे के चला जाता है कि मैं बाजे गाजे के साथ आपको ले जाऊंगा, राजा हूं। और उसने कई साल हो गए, यहां तक के उसका लड़का भी हो लिया जिसका नाम ऋषि ने भरत रखा था। उसके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत है। ऋषि ने उसकी रेखाएं देखी तो हथेली पे ऐसे निशान थे जैसे एक राजा के होते हैं। 8-7 साल हो लिए। जब एक दिन ऋषि अपने चेलों को बुलाता है, ने बोला भाई श्याणी बेटी अपने बाप के बोला पाप चढ़े, वो नहीं लेना आया तो इसको भेज दो वहां। और अपने चेलों को क्या बताता है, क्या समझाता है? भाई अब आन बेटी राजा महाराजा के बिना नंबर, और हम तो बाबा जी हैं। तो क्या कहता अपने शिष्यों को कणव ऋषि? अब भाई इसने ले जाओ हस्तिनापुर छोड़ जाओ, वहां की अमानत है। क्या कहा? चंदन के यसने ते चंदन लील बड़ी हो जास ये रबारे के से पर पका दे या फूल जड़ी हो जास सुकंतला ने देखो तू जब रूम खड़ी हो जास रे बाबा जी हम पड़ी रहे साधुआ में इसने राज करण दो बेचारी ने जाके क्या कहा नाज करेगी यानी बनके करेगी मुआज करेगी पानी बनके करेगी ताज धरेगी श्याणी बनके करेगी अरे राज करेगी रानी बनके देखी है। बहुत शक्तिशाली राजा की तरह इसकी रेखाएं इसने बेचारे ने राज करने दो और इसके कर्म में क्या लिख रखा क्या कहा वाला पालन करना मनु समृद्धि होगा मेरे चार वेद और छह शास्त्र का ध्यान कुदरती होगा इस लड़के का मेष लगन बड़ा चक्रवर्ती होगा रे बैठ तक पांच रान कुछ ना आखिरी कली में दादा लक्ष्मी चंद के बारे में वही शब्द कहे जो सर छोटू राम ने कहे थे लोगों ताई, वही आदमी पहचानना सीख लो। लोगों ने दादा को पहचाना नहीं जब तेनों का आरती को खाना है। पर मांगे पंडित ने बोला भाई हमने पहचाना वो आदमी और एक में सौदा था, क्या बता गंधर्व बन के आया था यो देश पसंद बिना था। कर्म कांड का मेर गणानु मति मंद बिना था। अरे लोग कैसे लक्ष्मी चंद बिना था। उनके पास उनको भेज देते हैं। इससे पहले एक घटना हो जाती है कि वो राजा क्यों नहीं लेने आया। उस आश्रम में उस कुटिया में और भी सहेलियां थी, वो बैठी हुई थी। एक दिन कणव ऋषि के पास दुर्वासा जी आ जाते हैं और सारी सखियां ने खड़ा होकर प्रणाम किया, स्वागत किया। और शकुंतला बेचारी अपने पति की याद में बैठी थी, उसने बेरा ही नहीं पाटा। ऋषि जी आए हैं और चले गए। वह अपने पति के ध्यान में मगन थी। ऋषि ने देखा कि भाई इस लड़की ने तो तेरा अपमान कर दिया, स्वागत नहीं किया, खड़ी नहीं हुई। ने बोला जा तू जिसकी याद में बैठी हो तने भूल जाएगा। तो कणव ऋषि ने कहा कि बाद में कि आपने ये जी लड़की पे अच्छा नहीं, एक लड़की के बारे में न बोला मैं अब ये लड़की नहीं है, इसके पेट में भारत का निर्माता भी है और मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, एक दिन ये शराब खत्म हो जाएगा, मैंने इसकी अवधि बांधी है कुछ। वो 7-8 साल की जो अवधि थी। और जब रास्ते में उन्होंने खाना वाना खाया, शकुंतला को वो लेकर हस्तिनापुर जाते हैं तो एक तालाब में हाथ धोए थे, वो अंगूठी उस शराब के कारण वहां निकल कर पड़ जाती है उस तालाब में। और राजा से कहा कि ये आपका पुत्र, मैं आपकी पतिव्रता औरत हूं। ने बोला लड़का मेरा मन्ना आज तक पहले तेरी शक्ल नहीं देख ली, तू तो मंदलाव है। बोले नहीं महाराज, कम से कम इस लड़के पर दया करो। और विनती करती है और क्या कहती है, ओए मैं पतिव्रता वीर बंदाइए धीर शरणे आई सो अरे हस्तनापुर की नीम धरण आई पाएगी जूती हो है, पैरों की धूल हो है, इतने तक सीमित नहीं होती है, लक्ष्मी भी यही होती है। दगे फौज में तो दो दो साल में छुट्टियां हैं, हर जगह हरा मर्द रहता और वीरवानी 2 साल में छुट्टी आती है, इसने दूसरा कर ली। अरे ये न्यू की न्यू रह जाए, इतनी शांति क्या कहा। मूर्ख बंदे स्त्री को पैरों की बतावे धूल, धर्म शर्म और ज्ञान की दाता वेदों के रहती अनुकूल, जकरियावान स्त्री हो धन माया की हो समूल। एकले पुरुष की स्त्रिया न बाट में ठिकाना तुम्हें, दुख दर्दान भूल कने पति के समान हुए, पति देव बिछड़े पथ याद कर खूब रोए। ये बेवारस के सदन हरि के बदन करने आई सू, गोबर कूड़ा पड़े आदमी पांव एकदम हटा होगा और अपने बच्चे ने चाहे माटी में राल गिरता हो, चाहे माटी में पड़ा हो, चाहे कितना पड़ा हो, जब आदमी ठारेगा क्योंकि उससे आत्मा मिली हुई होती है। क्या बता दादा ने तंग मानस पुत्रों खातिर मांग तांग के लाते हैं, पशु पक्षी अपने बच्चे को हरते से लगाते हैं, धूल में भरे बच्चे को गोद में उठाते हैं। गोद में भरे बच्चे को गोद में उठाते मूर्ख ज्ञानी लोग इसको कहते आत्मा से आत्मा, पुत्र की माँ माता उसे जानते महात्मा। पति देव बिछड़े पथ आत्मा परमात्मा। ओए तेरे नाम की चीज काट ले शीश मरण आई सूं। सृष्टि जय स्त्री नहीं होती तो कौन रचाता। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सतरूपा बनाई, जब यह सृष्टि बसी। और जब औरत के गर्भ में बच्चा होता है वो शीशा देख के कितनी खुश होती है। वंश चलाने के लिए क्या कहा, जब लगी आ सृष्टियों। पीर मरद में न करे इसको कहते रे तू दान। आईने में मुँह देखे जब आन आवे बेईमान। यही तो है महाभारत और यही है गीता का ज्ञान। तेरी छाती पर की खूद बांध के सूझ तरण आई सूं। माता कहता सारा जहान सबसे बड़ा गुरु हो से शिष्य करते आत्मा। देख तेरे तय मिला ले चेहरा भूल गए पैदा करके। लक्ष्मी चंद तन के बेरा भूल गए पैदा करके। मांगे राम बेटा तेरा भूल गए पैदा करके। तन कर दिया सत्यानाश सब्र के सांस भरने आई सूं।